लेकिन वो काम करते समय जिस तरह उन्होंने देखा कि लोग आते हैं हाइल दूर से देखकर उनको रखते हैं, वहां जो पानी रखा हुआ था वो पानी भी अगर वो पी नहीं सकते हैं। ये जब उन्होंने वहां पर नौकरी करते हुए दृश्य देखा विषय है क्या पढ़ाएगा, लेकिन थोड़े समय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को शिक्षा के वाक्य को जीवन में उतारने की आवश्यकता है कि हम जब पढ़े तो हम समाज को आगे बढ़ाने के बारे में विचार करें। बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ जी जो थे, महाराजा गायकवाड़ जी का उसके साथ ही गुरु कृष्णा खेरोस्कर, गुरु अम्बेडकर, मित्र भतेरा, शिव तारकर, छत्रपति साहू जी महाराज, महाराज प्रोफेसर इराणी और पंडित देवराव नाईक, इन सभी का वही काम को करते हैं। आज ये दायित्व मुझे मिला हुआ है। इसके बाद जब मोर्चे की बैठक हुई थी तो मोर्चे की बैठक में कहा था कि हमारे अनुसूचित वर्ग का समाज है डॉक्टर भी बना लिया, लेकिन हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन को समझने का अगर हमने प्रयास नहीं किया तो केवल हमारा हम जीवन में आगे बढ़ गए, हमारे उपयोग करने के लिए हम वहां पर अनुयायियों के साथ में वहां पर जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब अपने अनुयायियों के साथ में मारपुर से जल के तालाब का उपयोग करने के लिए गए तो वहां पर कई लोगों ने कहा और इस तरह की विरोधावासी गतिविधियों को आगे बढ़ाने वाले लोगों ने और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का उनके साथियों का विरोध किया, उन्होंने वहां पर सत्याग्रह किया। बाद में फिर समय में कानून बना तो उस तालाब का पानी सभी उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं जिस तालाब में उल्टा पानी पी सकता है, घोड़ा पानी पी सकता है, सारे जानवर पानी पी सकते हैं और उस तालाब का हम मानव होने के नाते हम उसका उपयोग कर ही कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने न केवल लड़ाई लड़ी बल्कि अम्बेडकर जी की इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप और उसमें सफलता मिली और सारे देश में अनुसूचित जाति समाज में एक विश्वास का भाव पैदा होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में हम अपने समाज को उनका अधिकार दिलाने के लिए संगठित होकर हम उस सारे अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। ये उसके बाद फिर महाड़ का नासिक का काला राम मंदिर, नासिक का जो काला राम मंदिर है भगवान राम की प्रतिमा वहां पर है, वो काफी प्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर में प्रवेश करने के लिए जब निर्णय किया गया वहां पर जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबको साथ में लेकर वहां पर गए तो कई लोगों ने उनको वहां पर रोका, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी वहीं पर बैठ गए और उन्होंने अपना सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपनी विद्वता से वहां पर कॉलेज में विद्यार्थियों के बीच में इतना गहरा स्थान बना लिया कि विद्यार्थी कॉलेज के समय के बाद भी और